Assalamualaikum my YouTube family, hope you are doing well. Today we came to Joy Island and it's wonderful weather. Stay tuned with me. हम जॉय लैंड पहुंच चुके हैं और ये जॉय लैंड की एंट्रेंस है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो इसका पार्किंग एरिया आता है जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पे बहुत अच्छे झूले होते हैं और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से झूले हैं। ये है जॉय लैंड की एंट्री एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एंट्री, जबरदस्त। यहाँ पे काफी स्कूल और कॉलेजेस की ट्रिप भी आई हुई है, इस वजह से यहाँ पे काफी रश है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हमने बेंच भी ले लिया है ताकि मैं काफी सारे झूले झूल सकूं। ये आई गॉट इट। और अब हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है स्वीट्स। Wow, this is a cartoon character and my brother is so excited. Ahmed, how are you? How are you? Chicken. Oh, tall Joker. Oh no, he's going to fall down. But they have much practice to walk like this. सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ ट्रेन में, कम लेट्स गो। और अब मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अब ये थोड़ी देर बाद चलने वाली है। Train is going and I am just sitting inside. Bye bye. Finally we are back and the train tour is finished. Going to a bumper car and it was my great experience of the train and let's go. And it is the ticket room of the bumper car and my brother is just checking a ticket and I have got the band. Oh my god, itni rush, lekin phir bhi bumper car mein to main zarur baithungi. आखिरकार 2 घंटे के इंतजार के बाद हमारी बारी आ ही गई है और अब मैं अपनी कार में बैठ रही हूँ। आई हैव फैसन माई सीट बेल्ट एंड नाउ आई एम रेडी टू ड्राइव। लेट्स गेट स्टार्टेड। Oh, my lovely brother is driving very well actually. मुझे इतनी अच्छी ड्राइव नहीं करनी आती लेकिन मेरे बड़े भाई को काफी अच्छी ड्राइविंग आती है। जैसे कि आप लोग ने पिछले व्लॉग में मेरे भाई को ड्राइविंग करते हुए देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो अभी जाके देखें।
Oh no, it is over now. But it's okay, I enjoyed a lot. So, how was your experience? तो अभी मैं डॉजी कार्स वापस आई हूँ और ये भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अब मैं नेक्स्ट वीक में जाने वाली हूँ, लेट्स गो। तो मेरा नेक्स्ट वीक है क्रेजी बस। झूले के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कैसी कंडीशन होने वाली है आपकी? अच्छे ख्याल है, अब देखते हैं। मुझे दूसरी सीट पे शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर ही मजा आना। जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ है हमारी चीखें भी स्टार्ट हो गई हैं। It's really so crazy. ऊपर जाओ तो डर लगता है और जब नीचे आओ तो गुदगुदी होती है। अब तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये कब रुकेगी? आखिरकार ये अनस्टॉपेबल बस रुक ही गई। ओ वाओ, फ्री फॉल। देख के तो झूलने का बहुत दिल कर रहा है लेकिन क्रेजी बस में बैठने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं और ये झूले में बैठने की और ये देखने में भी डेंजरस लग रहा है और चीखों की आवाज़ सुन के तो मेरी और भी जान जा रही है। ओ, आई फाउंड अनदर कार्टून कैरेक्टर। I just like this. Oh, I found another thing. क्या आप लोग भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें ट्रेजर हंट। The way he is holding and moving his sword is very nice. और ये मुझे लग रहा है समंदरी डाकू जो होते हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। Oh, I see another town, and this is a Trumbull town. Let's go inside and see what is. Oh wow, flying chair. ऐसा हो ही नहीं सकता मैं इसे मिस कर दूँ। The flying chair. अब मैं बैठ चुकी हूँ और ये स्टार्ट होने वाली है। Let's see what happens. अभी तो ये देखने में बहुत आहिस्ता लग रहा है कि बहुत आहिस्ता चलेगा लेकिन आगे आगे देखे होता है क्या। इट इज जस्ट बीइंग फास्ट। पर आप लोगों को चीखों की आवाजों से पता चल ही गया होगा कि अब ये तेज हो रहा है। ये तो इतना ऊपर जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि आसमानों को छू लेगा। इतनी तेज हवा के झोंके और इतना ऑसम व्यू, जबरदस्त। इतने ऊपर जाके मुझे इकबाल का ये शेर याद आ रहा है। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए ओकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए ओकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आखिरकार ये हमें हवाओं की सैर कराते हुए नीचे ले ही आया। मैं जब भी किसी पार्क जाती हूँ तो फ्लाइंग चेयर पे जरूर बैठती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्विंग है और जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, जैसे सालगिरह का व्लॉग है उसमें भी मैं फ्लाइंग चेयर पे बैठी थी। फाइनली मैं स्विंग झूल के आ गई हूँ और अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट स्विंग होगा।
उस झूले के बाद ये नेक्स्ट झूला है, अब देखते हैं क्या होता है। अब मेरा नेक्स्ट स्विंग है फेरिस व्हील। यहाँ पर भी रश है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी डॉजिंग कार में थी। और यहाँ से फेरिस व्हील पे बैठ के मैं ऊपर का व्यू देखना चाहती हूँ। सो लेट्स गो। और अब इंतजार के बाद मेरी बारी आ ही गई है। बहुत मजा आया इस फेरिस व्हील में और ऊपर टॉप पे जाके तो इतना आउट क्लास व्यू था। और अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट स्विंग पे। सो लेट्स सी अब मैं किस स्विंग पे जाती हूँ। एंड माय नेक्स्ट स्विंग इज ड्रॉप टॉवर। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। इट्स सो टॉल टॉवर। अब मैं बैठ चुकी हूँ और अब मुझे लगता है कि ये ऊपर तक जाएगा और हमें झटके देगा जैसे हमें क्रेजी बस ने दिए। ऐसा लग रहा है कि मुझे ऊपर से किसी ने नीचे फेंक दिया है, इतने प्रेशर से लोग नीचे फेंक रहे हैं। और अब मेरा नेक्स्ट स्विंग है कप। शुक्र है यहाँ पे रश नहीं है। और अब मैं अंदर जा रही हूँ और मैं अब कप में बैठ चुकी हूँ और मेरे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये एक झूले के बाद दूसरे झूले पे बैठ रही है। जी हाँ, तो मुझे झूलों पे बैठने का बहुत क्रेज़ है और मेरे बड़े भाई को झूलों पे बैठने का शौक नहीं है और छोटे भाई को डर लगता है, इस वजह से मैं अकेले सारे झूलों पे बैठ रही हूँ। लेकिन आई एम रियली इन्जॉयिंग। कब भी स्टार्ट हो गया है और अभी तो आहिस्ता चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या तेज़ होगा या नहीं। लेकिन कराची के मुकाबले में यहाँ का कब आहिस्ता है और वहाँ पे कराची में बहुत तेज कप चलता है। कब भी स्टॉप होने वाला है और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्विंग में जाऊंगी और आप देखिएगा कि मैं कौन से स्विंग पे जा रही हूँ। जी तो मेरा नेक्स्ट स्विंग ये है और अब मैं बैठ चुकी हूँ और अब ये स्टार्ट भी हो गया है। मुझे लगता है कि ये भी हमें मशीन की तरह खंगालेगा। जी बिल्कुल, मेरा अंदाज़ा ठीक था। और अब ये तेज़ हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह मूव कर रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब वो स्विंग लेने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और इस जगह पे भी हम पहले नहीं आए हुए हैं और इस जगह को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग से सजाया हुआ है। इस जगह में भी बहुत स्विंग है और इस स्विंग का नाम है स्प्लैश माउंटेन। इस स्विंग पे भी बैठने का मेरा बहुत दिल कर रहा है लेकिन इस स्विंग पे इससे नहीं बैठ रही कि मेरे कपड़े ना गीले हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे नीचे जब जाते हैं बहुत नीचे से पानी आता है। अब मैं जा रही हूँ मोनोरेल पे। सो लेट्स गो। और अब मैं मोनोरेल पे बैठ चुकी हूँ और ये थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है।
और हमारी मोनोरेल स्टार्ट हो चुकी है और अब ये हमें पूरा राउंड देगी और मैं साथ साथ आपको ऊपर से इसका व्यू भी दिखाऊंगी। और ये है ऊपर का व्यू मोनोरेल से। ये उन्होंने लोगों के लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर खानी हो तो यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं। ओह वाओ, लॉट्स ऑफ सीट्स आर देयर। ऊपर से बिल्कुल ये रोशनी वाला शहर लग रहा है और फेरिस व्हील की लाइटिंग तो बहुत आउट क्लास लग रही है। और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए जो कि अपनी बातों में मसरूफ हैं। और अब ये जा रहा है पीछे की तरफ और मेरे ख्याल से इस मोनोरेल ने पूरे पार्क को कवर किया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक सुपर स्पेस में नहीं गई हूँ, तो ये सुपर स्पेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जी तो ये हमारी मोनोरेल का नज़ारा नीचे से। स्विंग्स का सफर अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू बी कंटिन्यूड।